नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अनुसार क्रिएशन। दोस्तों आज का जो टॉपिक्स है वो है सीएलडीपी डीडुक के बारे में। इसी के रिगार्डिंग एक वीडियो मैं पिछले मेरे चैनल में डाला था एक वीडियो, वो आप चाहे तो देख लेना। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई स्क्रीन बटन में लिंक दे दूंगा। दोस्तों सीएलडीपी डीडुक जो ऑप्शन आया है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये कैसे काम करता है। इसी ये वीडियो मैंने आप लोग को दिखाया था। आज ये एक प्रॉब्लम हो गया है, ये जो अपडेट हुआ है वो सही से काम नहीं कर रहा है। तो मैंने न्यू कनेक्शन एक जनरेट की थी। जनरेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने सीएलडीपी डीडुक पर क्लिक किया था। अभी मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। देखो सीएलडीपी डीडुक ये हो गया है, जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम क्लियर हो गया है। दोस्तों अब आप कर सकते हैं, किसी भी दिक्कत नहीं है। सीएलडीपी डीडुक यहाँ पे देख सकते हो ओएमसी क्लियर हो गया। और डीडुक रिस्पॉन्स में जाके हम चेक करेंगे तो यहाँ पे सीएलडीपी प्रोसीड हो गया है। जो सीएलडीपी का डीडुक टाइप देख सकते हो आप सीएलडीपी, और यहाँ पे ये प्रोसीड हो गया है। दोस्तों मैंने एक एड्रेस चेंज का भी रिक्वेस्ट किया था, लेकिन वो जब सबमिट किया था थोड़ी देर पहले तो सीएलडीपी टेक्निकल एरर बोल के आ रहा था। आप लोगों को वही शायद आ रहा होगा ये प्रॉब्लम, लेकिन आप अभी देख सकते हो मैंने सबमिट ऐसा पर क्लिक करूंगा, देखते हैं क्या होते हैं। मैंने न्यू कनेक्शन वाला जो एमसी रिगार्डिंग प्रॉब्लम था वो किया था, लेकिन वो हो गया था। तो इसको देखते हैं होते हैं या नहीं। आइए, मैंने दो बार क्लिक किया है लेकिन नहीं हो रहा है, शायद इसको दोबारा फिलअप करना होगा। लेकिन न्यू कनेक्शन का जो सीएलडीपी डीडुक वाला प्रॉब्लम था वो क्लियर हो गया है। तो इसको दोबारा सबमिट करके देखते हैं होते ही है नहीं। नहीं हो रहा है दोस्तों, जैसे कि मोबाइल नंबर लिंक, एड्रेस चेंज, टीवी, बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा था। टीवी डॉक्यूमेंट भी डाउनलोड नहीं हो रहा था, प्रिंट नहीं हो रहा था। अभी तो सिर्फ स्मूथली बुकिंग और इनवॉइस जनरेटी हो रहा था। तो न्यू कनेक्शन का जो प्रॉब्लम था वो हो गया, आप लोग देख लिया वीडियो में। अब एड्रेस चेंज का जो एसआर मैंने सबमिट क्रिएट किया है, इसको सबमिट करने जा रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। इस प्रॉब्लम को हम हटा देते हैं। हटा देने के बाद एक बार कंट्रोल एस दबा के सेव कर देते हैं, उसके बाद एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, उसके बाद एक बार सबमिट करके देख लेते हैं होते हैं या नहीं। आइए देखते हैं दोस्तों, ये प्रॉब्लम कुछ दिन चलेगा। अभी नया नया सर्वर अपडेट हुआ है तो सीएलडीपी के, चलिए सबमिट करते हैं। सबमिट कर दिया लेकिन नहीं हुआ, तो मैंने इसको सबमिट के सर को कैंसिल करूंगा। कैंसिल करके दोबारा इसको फिलअप करूंगा। आइए दोस्तों कैंसिल कर देते हैं, देख सकते हो कैंसिल सर पर क्लिक किया, यहाँ पे कैंसिल बाय डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये कंज्यूमर का फिर से मैं एक आप एसआर को क्रिएट करूंगा। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों आइए इस कंज्यूमर का एक नया एसआर क्रिएट करते हैं। कस्टमर प्रोफाइल अपडेट, उसके बाद एड्रेस चेंज। नीचे देख सकते हो आज 21 फरवरी 2023 से मैंने एक जो एसआर क्रिएट किया था वो कैंसिल कर दी है। उसके बाद एक नया एसआर क्रिएट किया है, तो यहाँ पे एड्रेस को मैं डाल दूंगा। आइए आप देखते रहिए दोस्तों, देख सकते हो मैंने पूरा का पूरा एड्रेस फिल कर ली है और अटैचमेंट भी यहाँ पे डाल दिया है। तो आइए आज आप इस एसआर को सबमिट करते हैं होते हैं या नहीं होते है, देखते हैं। दोस्तों देखते हो सबमिट कर दिए है, फिर से वो प्रॉब्लम आ रहा है सीएलडीपी टेक्निकल एरर वाला प्रॉब्लम। दोस्तों ये एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सही हो रहा है। अभी तो पहले नया कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा था, नया कनेक्शन का प्रॉब्लम मिट गया दोस्तों। अब जो और कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, किसी का एड्रेस चेंज करने के लिए, किसी का नेम चेंज लीगल हेयर्स करने के लिए, किसी को टीवी बनाने के लिए, किसी को एसबी बनाने के लिए जो प्रॉब्लम हो रहा था वो प्रॉब्लम धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, अभी वेट करना है, पेशेंस रखना है, मत घबराइए, ये सही हो जाएगा। दोस्तों कुछ नया अपडेट आने के लिए टाइम लगता है, तो ये सारा दिन एक दिन 24 घंटा सर्वर जो था वो इरोड था, एसडीएमएस नहीं चल रहा था। कल से एसडीएमएस चल रहा है, लेकिन अभी तो सिर्फ सेल्स ऑर्डर क्रिएट बुकिंग और प्रिंट जनरेट इनवॉइस ये काम जो जनरल होता है यही हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटर को कंटिन्यू करने के लिए। इंडियन का टीम इसके रिगार्डिंग काम कर रहा है, हमारे इफो से भी
इन्फॉर्मेशन आया है कि काम चल रहा है, अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, एक एक करके सभी सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो के एंड तक देखने के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ।